हम सब जानते हैं आज जिस तरह की देश में राजनीति की दिशा चल रही है, कुछ लोग सनातन को गाली देने के अलावा दूसरा काम नहीं करते। उन्हें लगता है कि सनातन को जितना हम गाली देंगे, सनातन को कुछ लोग तो गाली देते देते सनातन को मिटाने की बात तक करते। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमको देखना है तो यहां पर आकर देखें किस प्रकार के संत समाज के लोग जो केवल सनातन धर्म को ही आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लिए गर्व और गौरव की गाथा में अपना एक इतिहास में नाम लिखाने का काम भी कर रहे हैं। और आज चूंकि यहां पर इतने योग्य सुयोग्य लोग यहां बैठे हो, मुझे लगता है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। मैं सिर झुकाकर सिर झुकाकर जितने नीचे हमारे संत समाज के लोग बैठे हैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं, उसे मैं भी आशीर्वाद चाहता हूं और सनातनी जितने हैं उनके लिए भी आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। और साथ ही साथ मंच पर हमारे सभी श्रद्धे जो संत समाज के लोग एक से एक अग्रणी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे भी आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप इस सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार जितना सनातन आगे बढ़ेगा उतना ही हमारा देश अखंडता की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे विश्व में सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सारे लोग मिलजुल कर रहे हैं। आज समय आ गया है कि हम सबको एक रहना है, एकजुट होकर के रहना है। आज के अवसर पर हमारे सभी विद्वत जन यहाँ हैं, हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं। मैं अपना पूरा समय जिनको हम लोग सुनने आए हैं महाराज जी को दूंगा। मैं पुनः आप सबको इस आयोजन के लिए सबको बधाई देता हूं और यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयकार लगाएंगे, बोलो जय जय श्री राम। बड़ी खुशी की बात है स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांते जी महाराज जी की आज के दिन हम लगातार कई वर्षों से यहाँ पर उनका ये कार्यक्रम करते हैं और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं हमारे पूज्य संत, जिनका आशीर्वाद हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों को मिलता है। मैं उन सभी को उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। मुझे पिछली बार भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और इस बार भी मैं रोहित जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और स्वामी जी का आशीर्वाद लेने का जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हम सब लोग, मुझे लगता है कि हमें अंतिम व्यक्ति की जब बात होती है, हमारे बीच में आदरणीय स्वामी जी हैं, विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव, परम पूज्यपाल प्रातः स्मरणीय स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज, जगद्गुरु देवी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी धरानंद जी महाराज, जति वृंद, हमारे उपस्थित गण्य मान्य अतिथिगण, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महावीर जी जयपुरिया और इस कार्यक्रम के आयोजक और आत्मा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और उनके सहचर रोहित जी तथा उपस्थित सभी बंधुओं का, हमारे विद्यार्थीगण सबका मैं स्वागत नमन करता हूँ। हमारे बहुत से गण्यमान्य
अतिथि यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे महापुरुष भी मंच पे विराजमान हैं, सभी को संबोधन भी करना है हम लोगों का और आशीर्वाद भी देना है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। स्वामी अभिषेक जी का, रोहित जी का आग्रह को मैं टाल नहीं पाता, इसलिए मैं मुझे बोलने के लिए दो मिनट कहा गया। मैं सिर्फ मूल बात ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रांगण में आप हम सब उपस्थित हैं, दिल्ली में इससे बढ़ के कोई दूसरा तीर्थ नहीं। यहाँ पर दीर्घ काल तक हमारे शंकराचार्य भद्रिकाश्रम, स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, जो साक्षात ब्रह्म मूर्ति, जागृत साक्षात ब्रह्म मूर्ति, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए हैं या पढ़ा है सुना है उनको जाए मालूम, और उनके सानिध्य में स्वामी कृपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, जिनको आदि शंकर का अवतार माना जाता है, और इस सनातन धर्म जगत के श्रोमणि स्वामी रंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनके वैदुष्य का और जिनके बलिदान का दूसरा कोई स्वामी अभी आज के युग में नहीं है, ये उन लोगों के द्वारा स्थापित और उनके द्वारा उनकी ये तपस्थली है। मैं संक्षेप में ये कहना चाहता हूँ, समय नहीं लेना है मुझे, इसका बनाया गया था गुरुकुल परंपरा को बनाए रखने के लिए इस स्थान को लिया गया। लंबी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊँगा, उस समय आज़ादी के पूर्व पहला यज्ञ हुआ था जमुना पार, उसी का शेष अंश में, और जयपुरिया जी के पिताश्री और अन्य लोग भी थे उस समय जिन्होंने ये जगह ली थी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है, आप सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा ये निवेदन है कि जिस कार्य हेतु, देखिए मैंने कल बात कही थी परसों के मुगल काल में बड़ी बड़ी लाइब्रेरी वगैरह जला दी गई, लेकिन गुरुकुल परंपरा बनी रही, अंग्रेजों के काल में गुरुकुल परंपरा समाप्त हो गई और उससे सनातन धर्म के ऊपर बहुत सा बड़ा आघात हो गया। उस कुल परंपरा के लिए ये स्थान है, नंबर एक। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हम जितने भी पांच चीजें वेद को हम मानने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं, हमारा जो भी कृत्य बच्चे के पैदा होने पहले दिन से लेके मृत्यु पर्यंत गौ के बिना नहीं होता। वेद का भी प्रतिपादन, कर्म कांड इत्यादि कोई भी कर्म गौ के बिना नहीं हो सकता। वो संपूर्ण वांग्मय की जननी है। तो एक बात मैं सबके आगे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बात तो इसके नहीं कह सकता, मैं असमर्थ नहीं है, गौ रक्षा के लिए आप करिए। और गौ का दूसरी गौ का एक बहुत बड़ा हमारे सामने महापुरुष बैठे हैं, मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे दुरुस्त करिएगा। आज ये स्थिति हो चुकी है कि मुझे गौ नहीं मिलती तीर्थों पे, मैं विश्वास, बड़ी बड़ी गौशाला है महाराज जी, 50,000 1,00,000 गाय वाली भी, वहाँ भी कभी कभी गौ मिलना पूर्ण।